एपीएमसी हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक अध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बजट की समीक्षा की गई और 2021-22 के लिए 3,71,12,000 रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया। बैठक में विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला हमीरपुर की सब्जी मंडियों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों पर भी चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव में एपीएमसी द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें किसानों को ई नाम के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अजय शर्मा ने बताया कि जिला हमीरपुर में विभिन्न मंडियों के सशक्तिकरण एवं नवीनीकरण पर 1,45,00,000 रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जाहू, नादौन, सुजानपुर व हमीरपुर मार्केट यार्ड में कई निर्माण कार्य जारी हैं, जिनको 6 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही हमीरपुर में एक पैकेजिंग ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना लगभग 45,00,000 रुपए की लागत से की जाएगी, जिसका टेंडर हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं प्रदेश की जयराम सरकार किसानों के विकास के लिए वचनबद्ध है और एपीएमसी हमीरपुर भी किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में प्रयासरत है। कमेटी के सभी सदस्यों ने एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा की अध्यक्षता में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदारों को समय सीमा के भीतर कार्य समाप्त करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एपीएमसी के सदस्य राजेश कुमार, आनंद आदर्श, प्रवीण कुमार, प्रकाश सिंह, विनोद पठानिया, राकेश ठाकुर, अनिल भाटिया, उपनिदेशक कृषि जीतराम ठाकुर, उपनिदेशक उद्यान विभाग रामलाल, केवी के बड़ा के प्रभारी डॉक्टर चमन, एपीएमसी की सचिव शगुन सूद सहित जिला राजस्व अधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे। एपीएमसी हमीरपुर की बजट बैठक आज एपीएमसी परिसर में सम्पन्न हुई है। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने, इसके साथ साथ उपनिदेशक कृषि, उपनिदेशक बागवानी, जिला राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जहां वर्ष 2020 और 21 के बजट की समीक्षा की गई, गत वर्ष में किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, वहीं आने वाले वर्ष 21-22 के लिए लगभग 3,71,00,000 रुपए का बजट का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें आने वाले समय में मंडियों के नवीनीकरण और सशक्तिकरण के लिए बजट रखा गया है। विभिन्न विकास कार्यों पर आने वाले वित्त वर्ष में खर्चा किया जाएगा, जिसमें जहां हमीरपुर का मुख्य मंडी प्रांगण, इसके साथ साथ सुजानपुर, नादौन एवं जाहू की सब्जी मंडियों का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकतर कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और आने वाले समय में कुछ कार्यों के टेंडर होने वाले हैं और शीघ्र उनको भी अमलीजामा पहनाया जाएगा। शीघ्र ही हम सुजानपुर में किसानों को, व्यापारियों को नई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शीघ्र ही वहां पर निर्मित सब्जी मंडी में दुकानों को जो है वो स्थानीय व्यापारियों को अलॉट करने का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ हमीरपुर के मुख्य मंडी प्रांगण में एक ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का भी यहां पर स्थापित करने का काम शुरू है और शीघ्र ही 45,00,000 रुपए की लागत से उसे स्थापित किया जाएगा, जिससे जिला हमीरपुर के किसानों की और बागवानों की फसलों की और फलों की ग्रेडिंग उनके खेतों में जाकर के उस मोबाइल यूनिट के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ साथ विभिन्न मंडियों में जारी कार्यों के ठेकेदारों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्दी से जल्दी समयबद्ध तरीके से इन कामों को पूरा करें, ताकि हमीरपुर जिला के किसानों को उनके घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।